हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चार ऐसी मिठाइयाँ बनाने की रेसिपी जो कि जिस समय मैं घर पर है उन्हीं से मैं बनाकर तैयार करूंगी। और ये जो मिठाइयाँ मैं बनाने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगी और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं कलाकंद की एकदम दानेदार बर्फियाँ। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया है, चीनी ली है, 2 चम्मच नींबू का रस लिया है, चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता लिए हैं। तो अभी हमें सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 1 लीटर दूध डालेंगे हम। आधा दूध हम गाढ़ा करेंगे और आधा दूध का हम पनीर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा दूध इसमें डाल दे रही हूँ, यानी कि 1 लीटर दूध हमने इसमें डाल दिया है। और अब हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ़ ना रह जाए। तो इसे हाफ़ होने तक हम इसी तरीके से पकाते रहेंगे। और दूसरी तरफ हम एक पैन में पनीर निकालेंगे इसमें से। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और जो हमने बाकी का 1 लीटर दूध बचाया था वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आधा दूध हमने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसमें बॉयल आने देते हैं। तो इसमें बॉयल आ गया है। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने देंगे। तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे डालना है और इसे चलाना है। तो इस तरीके से तो 1 चम्मच और डाल देंगे। तो ये देखिए जो दूध है वो फटने लगा है। अभी हम इसे थोड़ा सा और इसी तरीके से चलाने के बाद जितना भी जो दूध है उसमें से पानी निकल गया है। अभी हम इसको छान लेंगे। तो इसको छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल रखा है, उसके ऊपर ये छलनी रख दी है हमने और इसके ऊपर हम रखेंगे एक कपड़ा। तो ये मैंने यहाँ पर सूती कपड़ा लिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने दूध को फाड़ा है वो इसमें डाल देंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इससे क्या होगा कि जो भी नींबू का खट्टापन होगा वो इसमें से निकल जाएगा। अब हम इसमें से इस तरीके से पानी निकाल देंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसमें वो निकल जाएगा। और जो हमने एक कढ़ाई में दूध को हाफ होने के लिए रखा था वो भी हाफ हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ रह गई है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो जो हमने अभी पनीर निकाला था वो इसमें डाल देते हैं। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा मैश कर नहीं डालूंगी, रफली मैश कर हम इसे डालेंगे क्योंकि हमें ये कलाकंद दानेदार बनाना होता है। तो इसलिए मैं इसे रफली मैश कर डाल रही हूँ इसमें। तो अभी हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए जब तक पकाना है जब तक कि ये जो पनीर है वो दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले। तो इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते रहेंगे। तो ये देखिए लगातार पकाते हुए जो पनीर है उसने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा दूध को तब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। तो हमें चीनी जब ही डालनी है जब पनीर दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, इसमें जरा भी दूध ना बचे। तो चीनी भी अपना पानी छोड़ने लगी है। तो अभी हम इसे और पकाएंगे जब तक कि इसका जो पानी है वो भी एब्जॉर्ब ना हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए अभी जो यहाँ पर चीनी में ज़रा भी पानी नहीं बचा है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी से जमाने की। तो अभी हम तुरंत इसे जमाएंगे। तो मैंने इसे जमाने के लिए यहाँ पर एक ट्रे में घी से इसे ग्रीस कर लिया है और अब हम इस कलाकंद को इसमें डाल देंगे और इसे सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ कुछ पिस्ता और थोड़े से बादाम। और ये डालने के बाद हम इसे हल्के से प्रेस कर देंगे जिससे कि इसमें
पिस्ता और बादाम जो है वो अलग ना निकले, इसमें अच्छे से सेट हो जाए। तो बस अब हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरीके से सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से जम जाए। तो 2 घंटे बाद हमारी जो बर्फ़ी है कलाकंद की वो जमकर एकदम तैयार है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए एकदम दानेदार, एकदम बिल्कुल जैसी हलवाई कलाकंद की बर्फ़ी बनाते हैं वैसी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और अभी मैं बनाऊंगी ब्रेड के गुलाब जामुन। ये जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल मावा जैसे बनते हैं और इन्हें बनाना आसान भी बहुत होता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं और इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, थोड़ा सा दूध लिया है और ये वाइट ब्रेड लिए हैं जिनके एजेस हमने कट कर दिए हैं, किशमिश लिए हैं कुछ, इलायची ली है क्रश की हुई। तो अभी मैंने चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में हम चीनी डाल लेंगे। तो जो हमने 1 कप चीनी ली थी वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ, तो 1 कप इसमें पानी डालूँगी। और अभी हम इसमें चीनी को घुलने तक अच्छे से इसी तरीके से पकाएंगे और आधे तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। जब तक चाशनी बन रही है हम ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मिक्स के जार में इस तरीके से ब्रेड्स को तोड़कर डाल दे रही हूँ और इसका कैप लगा देंगे और इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स यहाँ पर बन चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बाउल में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके डो लगाकर तैयार करेंगे। तो डो हम सॉफ्ट लगाएंगे और जो दूध है वो मैं स्पून से डाल रही हूँ, क्योंकि ब्रेड जो पहले से ही काफ़ी सॉफ्ट होते हैं इनमें ज़्यादा दूध नहीं डालना होता है, बहुत कम ज़रूरत होती है इसमें दूध डालने की, तो इसलिए मैं स्पून से डाल रही हूँ। और एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे हम इसका। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका डो लगा लिया है। अब हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये ब्रेड का जो डो है वो ले लेती हूँ और इसका एक पेड़ा बनाएंगे और हम इसके अंदर फिल करेंगे किशमिश और इस तरीके से इसे बंद करना है। और जैसे हम लड्डू करते हैं वैसे से करना है, इस तरीके से गोल गोल। तो कुछ इस तरीके से हमें बाकी के गुलाब जामुन भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। इन्हें फ्राई करने से पहले हम चाशनी को देख लेंगे वो बनकर तैयार है या नहीं। तो यहाँ पर चीनी घोलने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर और पका लिया था, अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें आधा तार बनकर आ रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा हमें चाशनी को फिंगर पर लेना है और चेक करना है। तो इस तरीके से कुछ हमें चेक करना है। ये देखिए इसमें आधा तार बन रहा है, तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे किसी और बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से डिप हो जाएं। तो मैं यहाँ पर इसमें इलायची डाल दे रही हूँ, तो जो हमने 2 से 3 इलायची क्रश कर ली थी वो इसमें डाल दी हैं। अभी हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया एक कढ़ाई और उसमें लिया है ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है मैंने इसमें, और हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें गुलाब जामुन डाल दिए हैं एकदम लो फ्लेम पर। अभी हमें इन्हें एक साइड से पकने देंगे थोड़ा सा, फिर हम इन्हें पलट करके दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो इस तरीके से इनका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अभी मैं गैस का फ्लेम कर देती हूँ मीडियम और हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए थोड़ा थोड़ा पकाएंगे, एकदम हल्के हाथ से हमें इन्हें चलाना है। तो ये देखिए इनका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है, जैसा हमें गुलाब जामुन के लिए चाहिए होता है बिल्कुल वैसा ही। तो अभी हम गुलाब जामुनों को बाहर निकाल लेंगे, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो अभी हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो बस अब हम इन्हें तुरंत चाशनी में डालेंगे, हमें इन्हें तुरंत ही चाशनी में डालना है जिससे कि इनमें चाशनी जो है वो अच्छे से फिल हो जाए। तो चाशनी में डालने के बाद अभी हमें क्या करना है कि 1 घंटे के लिए इन्हें इसी तरीके से छोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि इनमें जो चाशनी है वो अच्छे से फिल हो जाएगी अंदर तक एकदम।
तो एक घंटे बाद जो हमारे गुलाब जामुन हैं उनमें एकदम चाशनी जो है अच्छे से फिल हो गई है। अभी हम इनको सर्व कर लेंगे। तो किसी बाउल में हम इन्हें सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सर्व कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे मावा के गुलाब जामुन बनते हैं ना खोया वाले, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हुए हैं और इनका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। अभी हम बनाएंगे मावा की एप्पल वाली मिठाई जो सभी को बहुत पसंद आएगी और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इन्हें भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 250 ग्राम मावा यानी कि खोया। ये मैंने मार्केट का लिया है, अगर आप घर पर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और ये मैंने लिया है तगार, तो ये 100 ग्राम तगार है। ये कुछ लौंग ली हैं। और रेड फूड कलर लिया है। तो अभी हम सबसे पहले मावा को थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये मावा तो मैंने यहाँ पर मार्केट का लिया है, अगर आप घर पर बनाना चाहें तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर लें। तो अभी हम मावा को थोड़ा सा भून लेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है हमें। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मावा है वो काफ़ी लूज़ हो चुका है और ये भूनकर भी तैयार है। तो अभी हम इसे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे गैस से उतार लेंगे और किसी और प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो प्लेट में निकालने के बाद इसे इस तरीके से फैला दें जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। अभी हमें इसे एकदम बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें तगार मिलाएंगे। तो इसे एकदम ठंडा होने के बाद ही मिलाएं। अगर गर्म में आप मिला देंगे तो फिर ये जो हम मिठाई बनाने वाले हैं वो बनना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसे ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसमें तगार मिलाएं। तो अभी हमारा जो मावा है वो एकदम ठंडा हो गया है। ये देखिए ये थोड़ा सा टाइट भी हो गया है अभी। तो अभी हम इसमें मिलाएंगे तगार। तो मैं तो यहाँ पर मिला रही हूँ इसमें तगार। आप चाहें तो इसमें बूरा भी मिला सकते हैं या फिर पाउडर शुगर मिला लें आप। तो अभी हम इसमें तगार मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मावा के साथ 100 ग्राम तगार ली है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी जो और तगार बची है वो भी इसमें मिला देंगे। तो अभी हमने इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो जैसे पहले हम लड्डू बनाते हैं वैसे हमें उसके लड्डू बनाने हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से हाथ पर लेना है और इस तरीके से एक लड्डू बनाना है। तो इसी तरीके से बाकी का जो मावा है उसके भी लड्डू बना लेंगे। तो मैं तो ये मिठाई यहाँ पर मावा से बना रही हूँ। अगर आपको ये मिठाई काजू से या फिर मिल्क पाउडर से बनानी हो तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बर्फ़ी जब हम जमा रहे होते हैं उसे जमाने की जगह पर हमें तुरंत उसके ये लड्डू बना लेने हैं और इस तरीके से काजू और मिल्क पाउडर से भी ये मिठाई बन सकती है। तो अभी हमने यहाँ पर ये सभी लड्डू बना लिए हैं। तो अभी हमें इसे करना है कलर। तो इसके लिए कलर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में छोटे से मैं 1 स्पून पानी लिया है। तो बस 1 स्पून पानी में हम डालेंगे 1 पिंच रेड फूड कलर और फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो कलर है वो तो रेडी है। अब हमें इसे करना है लड्डुओं पर। तो ये जो हमने यहाँ पर लड्डू बनाए थे उन पर हमें ये रेड फूड कलर करना है यानी कि इनका शेड देना है हल्का हल्का जिससे कि इनमें एप्पल वाला लुक आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पे एक पेंट ब्रश लिया है जिससे हम पेंटिंग करते हैं ना वही ब्रश लिया है। तो अभी हमें इसे एकदम हल्का सा डिप करना है कलर में और इस तरीके से शेड देना है। तो बिल्कुल हल्का सा ही डिप करना है हमें इसे और मैं एकदम हल्के हाथ से इस तरीके से इस पर शेड दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये किस तरीके से कर रही हूँ।
एकदम हल्के हाथ से इस तरीके से इसे हमें शेड देना है। तो बाकी के जितने हमने लड्डू बनाकर तैयार करे हैं उन पर भी इस तरीके से शेड कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सभी लड्डुओं को कलर कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे ये लौंग, तो इस तरीके से बीच में हमें इसे लगा देना है। तो ये देखिए इसे लगाने के बाद लग रहे हैं ना बिल्कुल एप्पल जैसे, तो इसी तरीके से सभी लड्डुओं में लौंग को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये लौंग लगा दिए है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रखें या फिर अगर आपको लीव्स बनानी हो तो मैंने यहाँ पर ये लिए हैं पिस्ते, जिन्हें मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है और इसको इस तरीके से लगा देना है। तो ये लीजिए हमारी जो एप्पल वाली मिठाई है वो बनकर तैयार है और कितनी टेस्टी लग रही है देखने में ही। तो बस आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और सभी आपसे पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो चलिए अभी हम बनाते हैं सूजी के लड्डू, जिनमें ना तो मावा की ज़रूरत होगी ना ही चाशनी की, झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी ली है, 1.5 कप मैंने ली है चीनी, 3 बड़े चम्मच मैंने लिया है गोले का बुरादा, फ्रेश दूध की मलाई ली है, 4 से 5 क्रश की हुई इलायची, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं काजू बादाम पिस्ता, ये मैंने चॉप कर लिए हैं, और किशमिश ली है कुछ। तो अभी मैंने यहाँ पर ये 1 कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने ये 1/4 कप घी डाला है। घी को गर्म होने देंगे। तो घी गर्म हो गया है, अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है मैंने। तो इनका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है, अभी हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो जो किशमिश बची हैं उनको भी घी में डाल देते हैं। अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। अभी ये जो घी बचा है इसी में ही हम सूजी को रोस्ट कर लेते हैं। अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करना है। बस ये इसका जो कच्चापन है वो हमें दूर करना है, इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो अभी हमारी जो सूजी है वो रोस्ट हो चुकी है। जब मैं इसे इस तरीके से चला रही हूँ तो सूजी का जो दाना दाना है वो अलग अलग हो रहा है, यानी कि हमारी जो सूजी है वो रोस्ट हो चुकी है। और अभी हम इसमें गोले का बुरादा डाल देंगे। इसे रोस्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है इसीलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ। पहले मैंने सूजी को डाल लिया था, अभी मैं इसमें गोले के बुरादे को ऐड करके उसे भी रोस्ट कर ले रही हूँ। तो ये भी हमारा रोस्ट हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये मैंने 1.5 कप जो चीनी ली थी वो इसमें डाल दी है। आप इसकी जगह पर डायरेक्ट पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब चीनी घुलना स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें मलाई को ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें फ्रेश जो हमने दूध की मलाई ली थी वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच यहाँ पर दूध की मलाई ऐड कर दी है। आप इसकी जगह पर डायरेक्ट दूध भी डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा दूध थोड़ा सा मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा मलाई का यूज़ किया है। तो थोड़ी देर सूजी को इसी तरीके से पकाने के बाद अभी हमारी जो सूजी है वो बनना स्टार्ट हो गई है, यानी कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल गई है। तो अभी मैंने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और जो हमने इलायची ली थी क्रश कर वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची से जो हमारे लड्डू हैं उनका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इलायची इसमें डाल दी हैं। अभी सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे।
तो अभी हमारी जो सूजी है वो एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। अभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये जो है वापस से सूखी सूखी हो गई है जो सूजी है। तो इसके अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये जो सूजी के लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा नरम बनते हैं, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सभी को पसंद भी बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट से ही सूजी के लड्डू बनाकर तैयार करें। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, एकदम हलवाई जैसे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप भी इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देखें, सभी को पसंद आएंगे, बनाना भी बहुत आसान है। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई भी इसमें से रेसिपी बनाने वाले हैं वो कैसी बनी या फिर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।